नमस्कार दोस्तों, चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात करें, वंदे भारत की बात करें या हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करें, उत्तर रेलवे जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, रात दिन नए प्रयोग हो रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है, तो उसके पीछे जो सबसे अहम कारण है वो है RDSO। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको राजधानी लखनऊ के RDSO स्टेडियम में ले आए हैं। यहाँ पर 5वीं इनो रेल प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन आज RDSO के महानिदेशक संजीव भूटानी ने कर दिया है। दोस्तों 125 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, देश और विदेश की बड़ी बड़ी छोटी छोटी सारी कंपनीज यहाँ आई हैं, नट बोल्ट से लेकर के हैवी मशीनरी तक आपको यहाँ दिख जाएगी। इस तरीके का जो ये आयोजन है, इस प्रदर्शनी एक्सपो का उद्देश्य RDSO का यही है कि जो नई टेक्निक्स हैं उनसे भारतीय रेल किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकती है। आज यहाँ पर न केवल भारतीय रेलवे बोर्ड के अधिकारी मौजूद हैं, यूपी मेट्रो के यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, देश विदेश से आए हुए तमाम कंपनीज़ के CEO और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ तो दो बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं स्टेडियम में जहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है, दूसरी तरफ एक कॉन्फ्रेंस के लिए अलग से एक स्टेडियम, एक छोटा सा पूल बनाया गया है जहां पर लगातार इसको लेकर के डिस्कस होता रहेगा, सेमिनार्स होते रहेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। तो हमने संजीव भूटानी DG RDSO से भी खास बातचीत करी, उनसे इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी पूछा और ये भी जानने की कोशिश करी कि आने वाले समय में भारतीय रेल और क्या क्या नई टेक्निक्स लेकर के आने वाली है। यह व्यापार मेला है, ये बर्लिन में 2 साल में एक बार लगाया जाता है। इसमें सभी इंटरनेशनल देश विदेश के लोग अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आते हैं और देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और अपने देश में उस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए काम करते हैं। इसी तर्ज पर आज RDSO ने CII के साथ सहयोग से ये एक मेला इनो रेल 2022 लगाया है, जिसका उद्देश्य है भारत में इंडिजिनस सोर्सेज को रेल इंडस्ट्री के लिए डेवलप करना। जो इनोवेटिव प्रोडक्ट वो लेकर आएंगे उसे हम रेलवे में लगाएंगे और इससे उपकरणों की विश्वसनीयता को सुधारने में और रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने में सहायता मिलेगी। अभी भारतीय रेल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसमें लगभग 150,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही आपको पता होगा कि वैगन्स प्रिक्योरमेंट किए गए हैं ताकि हम जो जितना भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कर पाएँ वो ट्रांसपोर्ट रेलवे के पास में आना चाहिए, जैस क्योंकि रेलवे एक सबसे एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का जो है रेलवे से होना चाहिए। इसी तरह से यात्रियों को सुविधा देने के लिए और अधिक सुविधा देने के लिए अभी हम लोगों ने वंदे भारत 2.0 का निर्माण किया है, जो कि ICF में बिल्कुल स्वदेशी तकनीक से बनाई गई ये ट्रेन सेट है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन्स हैं। ये अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलने के लिए सक्षम है और धीरे धीरे अब इसकी गति को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक अलग अलग तरह के ट्रेन सेट का टेंडर जो है वो इनवाइट किया गया है और उनकी गति 200 KMPH तक होगी, जिसे शीघ्र ही फाइनल रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसके बाद से सुविधाओं में और रेल की गति में और अधिक जो है बढ़ाएंगे और इस तरह से सुविधा को अधिक से अधिक हर सभी यात्रियों को पहुंचाया जाएगा। ट्रेन्स में जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जैसे मैंने कि बताया कि ट्रेन सेट ये बिल्कुल जो हाईएस्ट स्पीड की जो ट्रेन होती हैं, जैसे कि और भी देशों में चलती हैं, जिसकी स्पीड जो है 350 KMPH रहती है, जिसको आप हाई स्पीड ट्रेन्स कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी और हमारे यहाँ जो लगने वाली टेक्नोलॉजी है लगभग सेम है। इसमें खाली एक ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको टिंटिंग बोगी कहते हैं, वो अभी हम लोग के पास में अवेलेबल नहीं है, पर अभी नया टेंडर के हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि एक टिल्टिंग बोगी और आर्टिकुलेटेड बोगी जो कि कर्व्स पर अधिक गति से चलने में सक्षम हो, उसको भी जल्दी से जल्दी भारतीय रेल में लागू करें और इस भारतीय रेल में भी मैक्सिमम 350 KMPH की ट्रेन्स को चलाने के लिए जो है प्रयत्न जारी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से राजधानी लखनऊ के RDSO स्टेडियम में इनो रेल
बिगेस्ट इंडियन रेलवे एक्सपो की शुरुआत आज हो गई है। ये दो दिन आयोजन और चलेगा, यानी आज 17 नवंबर को शुरुआत हुई है, इसके बाद 18 नवंबर, 19 नवंबर लगातार इस प्रदर्शनी को, इस बिग एक्सपो को देखा जा सकता है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी लगातार होती रहेंगी।